यदि आप भी प्रभु श्री राम से जुड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बार फिर सुनहरा मौका है। दरअसल भारतीय रेलवे की ओर से चलाई गई भारत गौरव यात्रा की सफलता के बाद अब भगवान श्री राम से जुड़े पवित्र स्थलों की यात्रा शुरू होने जा रही है। IRCTC एक बार फिर राम भक्तों को भगवान राम से जुड़े पवित्र जगहों के दर्शन कराने के लिए श्री रामायण यात्रा का आयोजन करने जा रही है। IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजित कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ये यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से कराई जाएगी। ये यात्रा दिल्ली से शुरू होगी और रामायण काल से जुड़े पवित्र स्थलों का टूर पूरा करने के बाद वापस दिल्ली आकर खत्म होगी। ये यात्रा 24 अगस्त 2022 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी, जिसमें हर वर्ग के लोगों को यात्रा करने का मौका मिलेगा। हम लोग IRCTC की तरफ से रामायण सर्किट यात्रा के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। रामायण सर्किट यात्रा जो है भारत गौरव ट्रेन पर आधारित ये रामायण सर्किट यात्रा है और इसका हाल के दिनों में सफल संचालन किया गया था और उसके पश्चात लोगों का उत्साह देखते हुए, पर्यटकों का उत्साह देखते हुए और देशवासियों का प्रोत्साहन देखते हुए एक बार फिर उसी सीरीज में हम अगली यात्रा 24 अगस्त से लेके आ रहे हैं। यह गाड़ी दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से ओरिजिनेट हो रही है और ये पूरी यात्रा 19 रात्रि 20 दिनों की है। इसका जो स्टॉपेज है उत्तर प्रदेश के अंदर 4 जगहों पर रखा गया है, वो अलीगढ़ जंक्शन, टूंडला, कानपुर और लखनऊ में रखा गया है। इस पूरी यात्रा के दौरान प्रभु श्री राम से जुड़े जितने महत्वपूर्ण स्थल हैं वो सारे दिखाए जाएंगे और इसमें अयोध्या से शुरुआत होगी। राम जन्मभूमि को देखने के बाद पूरी यात्रा सीतामढ़ी की तरफ प्रोसीड करेगी। सीतामढ़ी के बाद जनकपुर धाम जो नेपाल के अंतर्गत स्थित है वहाँ जाती है यात्रा। वहाँ से वापस आते समय बक्सर में रुकते हैं, बक्सर से वापस वाराणसी, फिर प्रयागराज, चित्रकूट, इसके आगे नासिक, हम्पी, सुदूर दक्षिण में फिर रामेश्वरम पहुंचते हैं और वापसी के दौरान कांचीपुरम और भद्राचलाम होते हुए दिल्ली सफदरजंग को यात्रा वापस लौटती है। शुरू होने जा रही ये श्री रामायण यात्रा 19 रात और 20 दिन की होगी। इस बार की यात्रा की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इस बार की यात्रा काफी खास है क्योंकि इस बार IRCTC ने हर वर्ग के लोगों को शामिल होने का मौका दिया है। इस पूरी यात्रा का पैकेज 67,200 रुपए तय किया गया है। हालांकि जिसे यात्री चाहें उसे 36 किस्तों में भी जमा करा सकते हैं। इसमें जो खास बात है उसमें ये रखा गया है कि हर आय वर्ग के लोगों को इसमें शामिल होने का मौका दिया गया है, इसलिए किस्तों में पूरी राशि के भुगतान की सुविधा दी गई है। जो शुल्क है इसमें 73,500 रुपए का है और इसको अगर आप 36 महीनों में पे करना चाहते हैं तो प्रति माह प्रति व्यक्ति 2690 रुपए के शुल्क की अदायगी करनी पड़ेगी। इस बात का ख्याल रखा गया है कि हर निम्न आय वर्ग का लोग भी जिसके अंदर श्री रामायण यात्रा पर जाने की अभिलाषा हो वो इसमें शामिल हो सकता है। श्री रामायण यात्रा के लिए शुरू होने वाली ट्रेन को यात्रियों के लिए बेहद खास रूप से डिजाइन किया गया है। 14 डब्बों ट्रेन में 11 डब्बे थर्ड AC के होंगे, जिसमें यात्रा के दौरान यात्रियों को फ्री ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मुहैया कराया जाएगा। हालांकि खाना शुद्ध शाकाहारी और निर्धारित होगा। इसके अलावा होटल में ठहरने और साइट विजिट के लिए बस की भी व्यवस्था होगी। होटल और साइट विजिट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बस non AC होगी। क्लास और प्रीमियम क्लास कस्टमर के डिमांड पे उसको प्लान किया है कि जो कस्टमर जिस हिसाब से चाहते हैं वो उस चीज को ऑप्ट कर सकते हैं। तो बसों से घूमने की सुविधा, गाड़ी पर खाने पीने की सुविधा और इनफैक्ट सारी जो कीमतें हैं यात्रा के दौरान जो पैसे लगेंगे आपको घूमने में वो सारे IRCTC के इसी शुल्क के माध्यम से पे किए जाएंगे। देखिए IRCTC भी मार्केट का एक फोर्स है और हमने भारतीय रेल से भारत गौरव ट्रेन लिया है और इस भारत गौरव ट्रेन में बेसिकली 14 कोचेज की एक ट्रेन है जिसमें 11 थर्ड AC के कोचेज हैं और इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक पेंट्री कार है और उन कोचेज में लंबी दूरी तक यात्रा करने के लिए जो पैसेंजर फ्रेंडली फैसिलिटीज होती हैं वो सारी बनाई गई है। इस अनूठी यात्रा के दौरान आप रामायण काल से जुड़ी सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। रामायण सर्किट यात्रा के जरिए आप अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, जनकपुर, सीतामढ़ी, नासिक, रामेश्वरम जैसे सभी रामायण से जुड़े पवित्र स्थलों पर जा सकेंगे। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए भारतीय रेलवे की ओर से खास इंतजाम किए गए। पंजाब केसरी TV के लिए आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।